फ्रेंड्स, आज हम गए थे आज हम कहाँ गए थे? राइशा के स्कूल। पहले असली ओरल एग्जाम था आज राइशा का, और मैम ने स्कूल बुलाया था, ऑनलाइन नहीं लिया ओरल टेस्ट, और सब बच्चे को बैच वाइज बुलाया था, रोल नंबर वाइज 10 स्लॉट दे दिया था, 10-10 बच्चों को। और मम्मी को लगता था कि मुझे अपना रोल नंबर नहीं पता। हाँ, क्योंकि मैम पेरेंट्स बाहर खड़े थे, टीचर्स ने बोला बच्चों अंदर चलो लाइन लगा के, तो मुझे लगा ना तो राइशा को अपनी क्लास का सेक्शन पता है और ना तो इसे अपना रोल नंबर पता है, क्योंकि इसे बस यही पता ही है सेकंड क्लास में सेकंड क्लास में, पर ये चली गई। बताओ क्यों? मैं ना मैम खड़ी हुई थी, मैम हमको बता रही थी कि ए सेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है। मैम पूछने लगी तुम ए सेक्शन में हो? मैं आगे मैम नहीं, मैं बी सेक्शन में हूँ। मैम बोलने लग गई तो डी में हूँ। गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी। मतलब ये कंफ्यूज थी, इसे ये भी नहीं पता था ए बी एंड सी डी। फिर बाद में पहले इसने बोला मैम ए सेक्शन में, फिर इसने बोला नहीं मैम मैं बी सेक्शन में, फिर इसे बाद में याद आया नहीं यार मैं तो डी सेक्शन में। चलो थैंक गॉड इसे याद तो आ गया ये डी सेक्शन में है, पर स्कूल वालों ने अरेंजमेंट अच्छा कर रखा था, अच्छा कर रखा था, थोड़े थोड़े बच्चे अंदर जा रहे थे और बहुत कम बच्चे थे, बहुत कम बच्चे थे, क्योंकि मैम ने बैच वाइज जो स्कूल वालों ने सिस्टम बनाया था कि रोल नंबर वाइज ऐसे ऐसे आना है, और उसी के अकॉर्डिंग ही पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों को लेके, और पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे थे, और जैसे जैसे एक एक बच्चे का टेस्ट एग्ज़ाम होता रहता था और वो बच्चे बाहर आते रहते थे, तो ओरल एग्ज़ाम तो और मुझको मम्मी दिखाई नहीं रही ना कि मम्मी का ओरल एग्ज़ाम तो बच्चों के बहुत अच्छे हो गए, अब रिटर्न जो है वो ऑनलाइन होंगे। आज जैसे कि राधा अष्टमी है तो राइशा ने फर्स्ट टाइम राधा रानी की फोटो बनाने की ट्राई करी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। राइशा आप दिखाओ आपने कैसे बनाई है। लिखा राधा रानी, फर्स्ट टाइम ट्राई करिए, बहुत अच्छी बनाई है राइशा। अच्छा राइशा ने ना जब गणेश चतुर्थी थी तब भी राइशा ने गणेश जी की बनाई थी, तो अब वो वाली भी नहीं राइशा ने आपको दिखाई थी, आज राइशा वो वाली भी दिखाओ गणेश जी की। ये देखो राइशा ने ये गणेश जी की बनाई थी, किसी ने हेल्प नहीं करी है, मैंने अपने सब राइशा अपने आप ही नेट से सर्च करती है और अपने आप ही बनाती है, हम इसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं, पर हम हेल्प नहीं करते, अपने आप ट्राई करते हो, देखो आप कितनी अच्छी बना रहे हो ना, अपने आप ट्राई कर करके फिर हम आपकी हेल्प क्यों करें, पर ये जरूर होता है नहीं, पर ये होता है कि जब राइशा ड्राइंग बनाती है उसके बाद ये होता है, ये ऐसा रूम हो जाता है। कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, जब बच्चे को सीखेंगे तो घर थोड़ा सा तो मैसअप होगा ही ना।